मैं आज से फिर आज बनाई हूँ फिर से चिकन। मैं चिकन में हमेशा आलू डाल देती हूँ क्योंकि मैं आलू बाबू को पसंद है, फिर आलू डाल देती हूँ, उसके वजह से आलू डाल देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आपको हमारी न्यू ब्लॉग में स्वागत है, राज एंड मोनी ब्लॉग में। संतू आज नहाई है बाल धो के तो पूरा घर को ही भिगा डालिए। इनको देखिए नहा धोवा के मेरा पहन लिए, अब ये बनेगी मंजू, अब मैं बनूंगी संतू। संतू तू संतू अनन्या बनेगी ना मंजू बनेगी? इनको देखिए घर पोछने का नशा, घर भिगा दिए संतू पूरा कूदर कूदर के। यहाँ भी पानी है, देखो यहाँ पे मैं रिंच बनाने के लिए आपका फिर से यही वाला साड़ी पहन ली। सब्जी को मैं पहले से लाल करके भाज ली, प्याज डालेंगे, आलू को भून रहे, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा तेल का बोतल कितना गंदा रहता है, गंदा हो गया था, आज इसको हम धो दिए, साफा लग रहा है, सादा तेल से ही बना रहे, सरसों तेल फेस हो गया है, बिल्कुल वाइट कलर का तेल से ही बना दे रहे, वाइट सादा तेल है। हाय दोस्तों, लो कंप्लीट हो गया तुम्हारा। तो झाड़ते नहीं हो? पारोटी को मुठ बांधो तो चावा का बर्तन में करना दुखनार के उसमें चाय बनाएंगे रात को। तब तो वो चाय ये संतू संतू खत एकदम लेने खत परेशान हो गई थी। हम पराठा बना कर उसको दिए हैं, वो नहीं पोसा रहा है, और उनको पारोटी भी खाना है। गरम क्या हो गया? भात में रखा था कि नरम हो जाए। कब दाढ़ी छिलोगे? छिलो तब तो हम ना बना रहे हैं। तो मेहंदी किन के लाना चूल में लगाने के लिए? मेरा भी चूल पक जाता है, पेट के गर्म से चूल पक जाता है, सभी का चूल पक गया पता है। कम बेसी हो बेसी बेसी हो सभी का पक रहा है, कोई उम्र उम्र नहीं है अब किसी का, सब सेम है क्या, सब एक समान हो गया है, कम बेसी बड़ा बेसी। मेरा हम छोटे बचपन में थे ना, मेरा भी चूल पक गया था, तो एक तो बुल्टी नाम की लड़की थी ना मामी के घर के उधर,
तो लोग बोल रहे थे कि सुपर भांस में लगाइए पकेगा, पका बाल काला हो जाएगा, तो हम वही लगाए थे, बोल के मेरा कितना दिन काला हो गया था। ये सुपर भांस में लगाने से माथा खुपड़ी सब काला हो जाता है, हाथ उठ, इसलिए हम लगाने नहीं मांगते, हाथ मेरा काला हो जाता है, जैसे लगता है कितना काम काला हो जा रहा है। अनन्या कर रही, पढ़ाई कर रही है अभी। इधर मम्मी पूछा था हमारे मसाला बा हमने बाप रे मसाला तो उतने को तो नहीं भरा हुआ है, बोलो मसाला मेरा कहाँ खत्म होता है, हमें तो अदरक लहसुन हल्दी पाउडर नमक मिर्चा से मेरा हो जाता है। ज्यादा हम नहीं, देखो तुम लोग को गर्मी लग रहा है, देखो यहाँ पे घी जमा हुआ है, झूठ बोल रहे शायद बच्चों को पसीना रखा हुआ नहीं हो रहा, देखो मैं तो अभी हुआ, अभी हुआ ना। रुको के लिए हम एसी लगवाते हैं। हाँ लगाओ भाई जल्दी जाएगा। फिर किनारे में आगे क्या करने के लिए, चलो 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 संटू बदमाशी नहीं, ये वाला चीनी वाला रोटी बहुत अच्छा लगता है ना खाने में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्यों बोलो इसमें रोटी भी है मीठा भी है दोनों का फ्लेवर है, गर्म रहेगा तभी अच्छा लगता है, जहाँ ठंडा हो जाएगा तो बस ना तभी ठीक ही लगता है, भूख लगेगा तो आदमी को सभी पसंद आता है। तो देखना पड़ेगा नजदीक में आके क्या कर रही है, बना रहे हैं मोटा वाला पराठा। मोटा वाला पराठा क्या होता है भाई, जैसे मोटा बोलो ना, चीनी डाल के बना रहे हैं मोटा वाला पराठा, ये जो एक आदमी खाएगा तो पेट भर जाएगा, पतला पतला चार घंटा बेलो पाव दुख जाता खड़े खड़े, और आज भी खत्म है गैस का भी भाव एकदम 1000 से ऊपर हो गया ना। मम्मी सोच रही कि लकड़ी वाला चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, संटू को फोकस करो, संटू को फोकस करें, बजा बजा रही है, उसको मैथ में नहीं आ रहा है, उसको चेकअप करो तो उसका मैथ में क्या कब बना रही है, देखे जरा क्या कर रही है बदमाश, क्या करिए बा मैं तो बना नहीं रही है, हाँ दे रही है। जितना पढ़ाई नहीं करी उतना तो खेला हो रहा उसका, वो तो कल ही पता चलेगा, तो मैं सर को बोलेंगे सर इसको मुर्गा बना कर रखिएगा बाथरूम के पीछे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो नहीं करेगा वो तो लिख नहीं पाएगा ना, अब लास्ट में गलती हो जाएगा गार्जियन का, बच्चा पढ़ नहीं रहा, हम सबसे बोले पढ़ो पढ़ो, अभी मानेंगे तो बोलेगा मार रही है, मच्छर काट रहा ना। हाय दोस्तों, अब मैं हट गई, अब किचन मास्टर आ गए, मैं तो हट गई अब किचन से, अब आप भिड़ गए, नहीं दोस्तों मैं पाँव में दुख पाँव में दर्द होने लग जाता है, एड़ी के पास में पीछे। अच्छा भक्तिन इधर देखने का, संटू देखी तुम मैथ बना रही हो, सही सही बनाना, हम अभी चेकअप करेंगे ना, चेक करने के बाद पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, चेकअप नहीं चेक चेक चेकअप चेकअप और डॉक्टर लोग करता है। मैं भी एक कॉमेडी करती हूँ, कॉमेडी मुझे कोई कॉमेडी में भाग लेगा तो हम बहुत अच्छा कॉमेडी करेंगे, होगा
देख लेना। तो पापा को तो बोलते हैं चलो इंस्टाग्राम में कॉमेडी करते, तो पापा को तो पसंद नहीं है कॉमेडी देखेगा, तो फिर दूसरा को देखेगा तो लोट लोट के हंसोगे आप। क्या हुआ? इससे ठीक होता नहीं है, इसे क्या पसंद है? इस साइड में देखो, इसमें तो आप लोगों को कितना बदमाशी बदमाशी ध्यान दो, आप भी पूछेंगे तो मुर्गा बनाएंगे संटू को भी। दोनों बता, दोनों बाप बेटी को एक एकदम सेम, उधर में वो बाप किचन में हाई मार रहा है, बेटी बेड पे ही हाई मार रही है। बस देखो उसका डबल हुआ। क्या है तुमको हम बार बार बोलते संटू? ध्यान दो ध्यान दो, तुमको माइंड में नहीं धुका दी क्या मेरा बात? ट्यूशन वाली मैम देखेगी ना कि अनन्या को, देखी क्या कर रही क्या बन रहा है, देखिए आप बना पढ़ती है कि नहीं, देखो तो देखे तो देखेगा, तुम्हारा ब्लॉग देखेगा तब तो पता चल जाएगा मैम को कि तुम बदमाशी कर रही हो, तभी बोलेगा। कैसे मैम बोला था कि हम गेट के बाहर खड़ा कर देंगे मच्छर में, वहाँ पर डॉगी भी आकर तुम्हारा हाथ के लगा सूंघ रहा था ना बिस्किट खाने के लिए। तो उस दिन तुम खड़े रहोगे तो तुमको बढ़िया से सूंघेगा, नहीं देखे तो भौंकने लग जाएगा। ए उस दिन ना पता आरुही को मम्मी को भौंक रहा था ना, तो मैम आई थी तो भगाने लग गई, हम भी डर रहे थे कहीं हम लोग को भी ना भौंके। आप का पादा उद्दार, आपको देख उडर गया हुआ खुद, हम लोग सोचते हैं चिल्लाने वाला पार्टी इसीलिए हम ही लोग को देख के भौंकने लग जाता है ना संटू। मम्मी ये देखो ब्लू कलर का पेंसिल, देखो ना। सब दिख रहा है, दिख रहा है कैसे? इससे साइन भी कर सकता है, बोलो लाल पेंसिल से भी लाल पेंसिल। चलिए दोस्तों कल एक न्यू ब्लॉक में मिलते हैं, बाय बाय गुड नाइट। ओके दोस्तों बाय बाय गुड नाइट, कल मिलते हैं नए ब्लॉक में नए वीडियो के साथ, इस तरह बने रहिए साथ रहिए, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।